नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी दो बड़ी फिल्में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 और बॉक्स ऑफिस पे हो रही है पैसों की बारिश। हालांकि दोनों ही फिल्मों के रिव्यूज कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग थिएटर जाके इन दोनों फिल्मों को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, फैमिली के साथ जा भी रहे हैं। सो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉलीवुड वालों को कुछ अच्छे मूवीज बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक हिट मूवी उठाओ, उसका सीक्वल पे सीक्वल बनाओ, उसका स्टोरी का भी कुछ कनेक्शन नहीं रहता है, बस उस फ्रेंचाइज का नाम यूज करके लोगों से पैसा निकालो। एनीवेज, सबसे पहले देखते हैं कि भूल भुलैया ने अपने पहले दो दिनों में ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कितने कमाई की थी, यानी कि फ्राइडे सैटरडे को। पहले दो दिनों का इसका इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था भूल भुलैया का 87 crore, इंडिया का नेट कलेक्शन था 72.5 crore, ओवरसीज में इस मूवी ने कमाए है 20 crore, तो वर्ल्ड वाइड इसने सेंचुरी कंप्लीट कर दी है पहले दो दिनों में ही। वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो चुका है 107 crore। अब देखते हैं कल का इसका कलेक्शन कितना हुआ था, जो अभी सुबह सुबह 8:45 बजे जो इसका अर्ली एस्टिमेट आया है कल का, वो है रफली 33.5 crore। सैटरडे का इसका कलेक्शन था 37 crore, सो माइनस 9.46% का हमें ड्रॉप दिखाई दिया है। लेकिन उसके बावजूद पहले तीन दिनों का इसका इंडिया का नेट कलेक्शन होगा 106 crore। इसका कल का ओवरसीज का कलेक्शन हमें कल दिखाई देगा, आज नहीं समझेगा हमें, लेकिन पहले तीन दिनों का फर्स्ट वीकेंड का इसका कलेक्शन हो चुका है इंडिया का नेट कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 106 crore। कल इसकी ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल दिन भर की 67.27% की, जिसमें मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी थी 39.80%, आफ्टरनून की थी 73.62%, इवनिंग की 83.69%, तो नाइट शोज की 71.97%। अब आते हैं सिंघम अगेन की तरफ। सिंघम अगेन ने पहले दो दिनों में, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को, ओवरसीज में और वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन हुआ एक बार देख लेते हैं। पहले दो दिन का इसका इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था 103.20 crore, नेट कलेक्शन था 86 crore, ओवरसीज में इस मूवी ने कमाए थे 22 crore, तो वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो चुका था 125.20 crore पहले दो दिनों का। अब देखते हैं कल का अर्ली एस्टिमेट क्या आया है। कल का अर्ली एस्टिमेट इसका है 35 crore का। इसका सैटरडे का कलेक्शन था 42.5 crore, तो कल यहां पे भी हमें थोड़ा ड्रॉप दिखाई दिया है। मे बी कल भाऊबीज भी थी, इसलिए भी हो सकता है। एनीवेज, पहले तीन दिनों का इसका इंडिया का नेट कलेक्शन होगा अप्रोक्सीमेटली 121 crore। कल इसकी ऑक्यूपेंसी थी 52.55% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 27.29%, आफ्टरनून के थे 55.85%, इवनिंग के 69.64%, तो नाइट शोज के 57.43%। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।